अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। सुबह सहरी में ब्लॉग स्टार्ट नहीं हुआ था क्योंकि मैं नींद में बिल्कुल बुखलाया हुआ था। मैं उठा हूँ, फ़ौरन फेस वॉश किया, सहरी किया, नमाज़ पढ़ा। मैंने कहा नमाज के बाद ब्लॉग स्टार्ट करके सो जाऊँगा, बट बिल्कुल भी हिम्मत नहीं था, नींद में था तो मैं डायरेक्ट सो गया। अभी सो कर उठा हूँ तो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब और करें शोभी सैद ब्लॉग इन्जॉय। आज का व्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। टाइम हो रहा है 12:30 और मुझे सबसे पहले अपना व्लॉग अपलोड करना है क्योंकि व्लॉग अपलोड नहीं हुआ, सिर्फ एडिट होकर रखा है। उसका थंबनेल वगैरह भी बनाना है। मुझे जो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है ना वो थंबनेल लगता है। मुझसे व्लॉग बनवा ले, अच्छे से बनाऊंगा, एडिट करवा ले, अच्छे से होगा, अपलोडिंग की सारी सेटिंग कर लूँगा। बट जो थंबनेल है ना है बहुत आसान, लेकिन उससे बनता नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा ही मौत आता है थंबनेल बनाने में। अभी मुझे थंबनेल बनाना है, रात को मैंने थंबनेल नहीं बनाया था। और मेरी बर्थडे भी आने वाली है, वेनसडे वाले दिन मेरी बर्थडे है, परसों। आज है मंडे, ट्यूसडे वेनसडे वाले दिन मेरी बर्थडे है, तो बर्थडे का भी बहुत अच्छा व्लॉग आप लोगों को मिलेगा। थर्सडे वाले दिन तो आप लोग बर्थडे का भी व्लॉग करना है इन्जॉय। अभी मैं जा रहा हूँ अपना लैपटॉप निकालने क्योंकि मुझे व्लॉग अपलोड करना है। लैपटॉप मैंने अपना ऑन कर दिया है, अब मैं जल्दी से फ़ोटोशॉप ऑन करूँगा क्योंकि मुझे सबसे पहले इसमें थंबनेल रेडी करना है। तो जल्दी से फ़ोटोशॉप ऑन होता है। इसमें आई थिंक कल वाला जो थंबनेल है ना वो पड़ा हुआ होगा, तो वो भी आप लोग देख लें कैसा ज़बरदस्त थंबनेल बना था। अगर व्लॉग नहीं देखा है तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर व्लॉग भी, ये नहीं ये रहा ये वाला कल वाला थंबनेल था, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लें और करें इन्जॉय। अब मैं जल्दी से थंबनेल अपना रेडी कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को रेडी करके दिखाता हूँ कि थंबनेल मैंने कैसा बनाया है। फाइनली थंबनेल रेडी हो चुका है पूरा, और आप लोग ये वीडियो जाके लाजमी देखना, बहुत ही अच्छा बना था। अब मैं जल्दी से अपलोड करता हूँ इसको यूट्यूब में, अपना यूट्यूब ओपन करता हूँ और इसको जल्दी से वीडियो को अपलोड करता हूँ। फाइनली मैंने टाइटल भी लिख लिया, डिस्क्रिप्शन भी लिख लिया और थंबनेल भी बना लगा चुका हूँ और सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। अब जल्दी से मैं वीडियो को पब्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं अपनी वीडियो को कर रहा हूँ प्राइवेट, और यहाँ से डन हो चुका और ये हो गया सेव। हो जाओ जल्दी, हो गया या नहीं हुआ ये तो पता ही नहीं चल रहा है। हाँ ये आ गया पब्लिक, तो आप लोग जाके ये वाला व्लॉग लाजमी देख लेना। फाइनली वीडियो वगैरह अपलोड कर दिया हूँ और अब नमाज का टाइम हो गया है, मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के फारिग हो चुका हूँ और अभी मुझे करना था हाफ व्लॉग एडिट, बट अभी नहीं कर सकता, मुझे शॉप जाना है। और परसों जो वेनसडे वाले दिन मेरी बर्थडे, उस दिन का भी मुझे कुछ पता नहीं है क्या होने वाला है क्या नहीं, क्योंकि सामान वगैरह कुछ मैं लेकर नहीं आया हूँ और कुछ मैंने सोचा भी नहीं है। आज इफ्तारी के बाद सिस्टर लोगों के साथ प्लान बनाना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि घर में इफ्तार पार्टी होती है, सारे आते हैं, और फिर बर्थडे होती है मेरी, हर साल होती है। इस साल यूट्यूब में आप लोगों के साथ फर्स्ट होगी क्योंकि मैं पिछले साल व्लॉग नहीं बनाता था, अभी मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। तो अभी देखता हूँ क्या सिस्टम है। कल तो छठा रोज़ा है, तो कल ही सारा मैं सामान वगैरह ले आऊँगा, मुझे अपना शेप वगैरह भी बनाना है, इफ्तारी के बाद जाना होगा, अभी बहुत ज़्यादा ही काम है। और देखता हूँ कल सामान क्या क्या लाना है। कल वाला व्लॉग भी बहुत अच्छा बनने वाला है तो आप लोग देख लेना। नहीं ना, पहले तो आप लोग ये वाला तो देखें, फिर कल वाला देखेंगे आप लोग, क्योंकि कल मैं बनाऊँगा तो परसों अपलोड करूँगा वेनसडे वाले दिन। तो कल सामान वगैरह अपनी बर्थडे की लेकर आऊँगा, और मुझे अपनी पिक्चर भी शूट करवानी है बर्थडे की, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर अपने अपलोड करता हूँ ना, तो अभी तक मैंने अपनी पिक्चर भी नहीं ली है। कितनी सारी टेंशन है यार, क्या करूँ मैं, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अभी तक ना मैंने न्यू ड्रेस लिया है, अभी मुझे शर्ट लेना है, पैंट लेना है, अभी उसके बाद पिक्चर शूट करवानी है, क्या होगा कुछ समझ नहीं। और एडिट भी मुझे खुद ही करना है,
चलो इतना टेंशन नहीं लेना, सारा सिस्टम बन जाएगा। अभी मैं जा रहा हूँ शॉप, शॉप से आने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। 2 hours later आज बाहर कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी, मेरी तो बिल्कुल हालत टाइट हो गई यार, मुझसे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा रहा। मैं आधे घंटे से इधर सोफे पर लेटा हुआ हूँ, मुझे बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा था मैं व्लॉग बनाऊँ और उठूँ कुछ काम करूँ, बट अब अजान हो चुका है तो नमाज़ पढ़ने जाना है, इसी वजह से मैंने कहा चलो व्लॉग का भी क्लिप बनाता हूँ फिर जाता हूँ नमाज़ पढ़ने। और अभी नमाज़ पढ़ के आना है, फिर मुझे जाना है इलेक्ट्रिशियन या सामान लेने बाबा के साथ, क्योंकि आज घर में इफ्तारी के बाद कुछ काम होगा इलेक्ट्रिशियन का, तो मैं तो तरावी के लिए चले जाऊँगा और पापा भी वो जो करने आएगा ना इलेक्ट्रिशियन का वो खुद ही करेगा। तो अभी सामान भी लेने जाना है यार, रमज़ान में ना कुछ काम नहीं होना चाहिए, सिर्फ रोज़ा और इबादत, बस ये बहुत है। काम वगैरह से ना इंसान थक जाते, जैसा अभी मैं थक चुका हूँ और हिम्मत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अब नमाज़ का टाइम हो रहा है, लेट हो जाएगा तो नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है, फिर आने के बाद सामान लेने जाऊँगा। सामान लेने जाना है मुझे बाबा के साथ, बाबा नीचे वेट कर रहे हैं और मैं अब जा रहा हूँ नीचे। ये देखिए ये वाला पाइप ना, ले ले ले, हाँ यही पाइप, हाँ यही बोले यही बोले थे वो पाइप, अरे यही बोले थे बाबा जी। सवाल एक मिनट, क्या कह रहे हैं? तीन पाइप और क्या है, सॉकेट है ना ये सामान, ये बटन के नीचे क्या आएगा बेटा अंकल, वो दिया ये शटल तो नहीं है, 24 पीस समझिए। सामान वगैरह लेकर आ चुके हैं और अभी तक मैंने नहीं देखा कि इफ्तारी में मामा ने क्या क्या बनाया, और मैंने तो वैसे मामा को कहा था बिरयानी बनाने, क्योंकि हमारे पूरे 30 रोज़े में ना डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनती हैं, कभी पूड़ी और खीर, कभी कीमा पूड़ी, कभी बिरयानी, कभी पुलाव, ऐसी ऐसी चीज़ें बनती हैं ना 3 दिन से, तो 4 दिन से माशाल्लाह हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाई। मैंने मामा को कहा था आज बिरयानी बनाने, तो पता नहीं मामा ने बिरयानी बनाया या कोई और चीज़, अब किचन में चलते हैं और देखते हैं मामा ने क्या बनाया। ये रहा मामा ने आज बनाया ही बिरयानी है, और अभी इधर पापड़ वगैरह फ्राई हो रहा है, तो अफकारी लगने में, जैसे ही अफकारी लगता है मैं आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। टाइम हो रहा है 6:30 और अजान होने में 17 मिनट बाकी है, अभी इफ्तारी लग रहा है तो जल्दी से इफ्तारी में बैठते हैं। तो खोल लिया मैंने, अब जल्दी से बिरयानी टेस्ट करता हूँ और दही बड़े, फिर उसके बाद नमाज का टाइम होने वाला है, नमाज के लिए जाना है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा बिरयानी निकाल के टेस्ट कर लूँ कि बिरयानी मामा ने बनाया कैसा है। बस थोड़ा ही सा भी खाना है, मैं स्पून नहीं लेकर आया यार, डबल डबल काम, अबे स्पून लिया यार, सिस्टर गई स्पून लाने, स्पून आ चुके और चेक करते भाई मामा ने कैसा बनाया है। अरे 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 मामा बनाए और बिरयानी अच्छा ना, ऐसा हो ही नहीं सकता, और सामने दही बड़े भी पड़ा हुआ है। अब ये बिरयानी को जरा मैं साइड पर रखता हूँ, दही बड़े चेक करता हूँ कि दही बड़े कैसा है। अरे ये तो पूरा जम गया, इसको पापा ने फ्रीजर में रखा हुआ था। दही बड़े भी बहुत टेस्टी, दही बड़े पापा ने बनाया, अब मैं जा रहा हूँ नमाज पढ़ने। अब
अफ्तारी भी हो गई, नमाज भी पढ़ चुका हूँ और साथ ही इलेक्ट्रिशियन वाले अंकल फ़ौरन से आ चुके हैं काम करने के लिए। अभी पापा और वो नीचे हैं, पापा उनको काम समझा रहे हैं। ये सीढ़ी वगैरह अभी ला के उन्होंने रखा हुआ है, अभी काम स्टार्ट हो जाएगा और मैं जा रहा हूँ। मैं भी ज़रा थोड़ा सा नीचे देख लूँ क्योंकि 20-25 मिनट बाद तरावी और नमाज का टाइम हो जाएगा। यहाँ काम वगैरह स्टार्ट हो चुका है और अंकल और बाबा साथ हैं, ये लोग अपना काम करेंगे। नीचे काम चल रहा है और मैं घर पर आ चुका हूँ क्योंकि नमाज और तरावी का टाइम होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि कल बर्थडे वाला व्लॉग आने वाला है। बर्थडे की तैयारी करूँगा, बर्थडे है तो वेनसडे वाले दिन एक दो दिन बाद व्लॉग बर्थडे का भी अपलोड होगा और नोटिफिकेशन आप लोग अपने यूट्यूब का ऑन कर लेना। जैसे ही बर्थडे का व्लॉग अपलोड हो आप लोगों ने बर्थडे वाला व्लॉग लाजमी देखना है, कल बर्थडे की तैयारी होगी। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।